بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام اسلام کے بنیادی پانچ فرائض میں سے تیسرا فرض زکاة ہے زکاة انسان کے مال پر واجب ہے اور مالدار مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے زکاة کی شکل میں ایک اہم فریضہ متعین کیا ہوا ہے ہر وہ مسلمان جو کلمے کا اقرار کرنے والا ہو کلیمے کے اقرار کے ساتھ اس پر جو سب سے پہلی چیز فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز نماز کے بعد اسلام کا بنیادی تیسرا فریضہ زکاة ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جسم کی زکاة روزہ ہے اور مال کی زکاة وہ مال ہے جو ہم مال کے فرض کے طور پر ادا کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ میں زکاة کا تذکرہ فرمایا نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے اور زکاة مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے انسان اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے وہ زکاة کہلاتا ہے لیکن زکاة کے اندر کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو فرض کے درجے میں ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو مستحب کے درجے میں ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو واجب کا نام دیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 18 مہینوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکاة کے تفصیلی احکام نازل فرمائے آپ نے صحابہ کرام کے سامنے زکاة کی اہمیت کو واضح کیا ایک حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الزکاة قنطرة الاسلام زکاة اسلام کا پل ہے جو بندے اور خدا کے درمیان میں پہنچنے کا ذریعہ ہے جو دنیا اور جنت کے بیچ میں پہنچنے جنت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو اپنے مال کی گندگیوں کو دور کر کر مال کو مالی گندگیوں سے پاک کرنے کا ذریعہ ہے الزکاة قنطرة الاسلام زکاة اسلام کا پل ہے
अल्लाह तबारक व तआला ने हर आदमी पर ज़कात को फ़र्ज़ नहीं किया, ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए कुछ शर्तें रखी। ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए बुनियादी शर्त यह है कि आदमी मुसलमान हो, किसी काफिर पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि आदमी बालिग हो, नाबालिग बच्चों के पैसों पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तीसरी शर्त यह है कि आदमी अक्लमंद हो, अगर कोई मजनून है, दीवाना है, पागल है, उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और चौथी शर्त यह है कि आदमी निसाब का मालिक हो, अगर कोई आदमी निसाब का मालिक ना हो तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। और पांचवी शर्त यह है कि आदमी के पास जो कुछ भी माल है वो माल एक साल से पड़ा हुआ हो, अगर उस माल के ऊपर एक साल पूरा नहीं हुआ है तो फिर उस माल के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं। और इसमें एक छठवीं चीज़ इजाफे के तौर पर यह है कि वो माल इंसान की ज़ाती ज़रूरतें से ज़ायद हो, यानी आदमी जो कपड़े पहनता है उसमें ज़कात नहीं, रहने का जो मकान है उस पर भी ज़कात नहीं, आदमी जो सवारी इस्तेमाल करता है, गाड़ी है टू व्हीलर की शक्ल में या फोर व्हीलर की शक्ल में, उस पर भी ज़कात नहीं। इसी तरीके से आदमी के घरेलू जो ज़रूरियात के सामान हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, घर का फर्नीचर है, घर के बर्तन वगैरह है, क्रॉकरी का आइटम है, बिस्तर वगैरह है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी के गुजारने के लिए, उन चीज़ों पर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं। इसी तरीके से अगर किसी आदमी को कारखाना है तो कारखाने के अंदर जो मशीनें लगी हुई है उन मशीनों के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ नहीं। तो ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए ये पांच छह शरायत है, इसके बग़ैर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। इनमें जो बुनियादी फ़र्ज़ है कि आदमी निसाब का मालिक होना, शरीयत ने निसाब की एक मकदार मुतय्यन कर दी है कि या तो आदमी के पास 7.5 तोले चांदी हो, सोना हो, या 63 तोले चांदी हो, पुराने तोल के हिसाब से, चूँकि पुराना तोल 12 ग्राम का तोल होता था तो आज के हिसाब से जो 52.5 तोले है वो पुराने तोल के हिसाब से 63 तोले हो जाएंगे, उससे कुछ ज़्यादा। अगर किसी आदमी के पास सोना है तो सोना 7.5 तोले होना चाहिए, सोना अगर नहीं है, चांदी है तो पुराने तोल के हिसाब से 52.5 तोले चांदी हो। लेकिन अगर किसी के पास 7.5 तोले पूरा सोना नहीं है, 52.5 तोले पूरी चांदी नहीं है, थोड़ा सोना और थोड़ी चांदी है, तो उन दोनों को मिलाकर देखेंगे कि दोनों को मिलाने के बाद कितना अमाउंट बनता है। अगर उस अमाउंट में 52.5 तोले चांदी आ रही है तो फिर ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर नहीं आ रही है तो फिर ज़कात माफ़। आज के डेट के हिसाब से मार्केट में 712 रुपये तोला चांदी है, इस हिसाब से अगर 52.5 तोला चांदी पुराने तोल के हिसाब से अगर ख़रीदेंगे तो 44,856 रुपये होंगे। अगर आज के डेट में किसी आदमी के पास सोना और चांदी की टोटल कीमत मिलाकर 44,856 रुपये हो जाए, या फिर सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसे ही इतने हैं कि जिससे जिसका फिगर 44,856 रुपये तक पहुंच गया, 45,000 रुपये, तो फिर उसके ऊपर भी ज़कात वाजिब। इतना रहने से आदमी ज़कात का मालिक हो जाता है। अच्छा, ये माल अगर एक साल से है तो ज़कात है, एक साल में शुरू के महीनों में इतना माल था, दरमियान में खर्च हो गया, तो फिर आदमी के ऊपर ज़कात नहीं। अच्छा, फितरे के वाजिब होने के लिए एक साल का गुजरना ज़रूरी नहीं। जिस आदमी के पास 45,000 रुपये के बराबर रकम है, भले ही एक साल मुकम्मल ना हो, उसके ऊपर ज़कात फितरा वाजिब है। लेकिन फितरे से हटकर ज़कात के वाजिब होने के लिए, फ़र्ज़ होने के लिए साल का गुजरना ज़रूरी। ऐसा ये है कि आदमी के ऊपर कर्ज भी ना हो, जो आदमी कर्ज़दार है उसके लिए भी ज़कात माफ़ है।
अब कर्ज का मसला ये है कि आदमी के पास जो कुछ भी जमा पूंजी है, अगर वो कर्ज अदा करेगा तो बकाया जितनी रकम बचेगी उस रकम का फिगर 45,000 तक अगर न पहुंचे तो फिर इसके ऊपर ज़कात माफ है, और अगर उस रकम का फिगर अगर 45,000 से ज़्यादा हो जाए तो कर्ज हटाने के बाद जितनी रकम बचेगी इतनी रकम पर ज़कात वाजिब होगी। ये ज़कात के सिलसिले में बुनियादी तौर पर छोटे छोटे मसले हैं जिसका हर आदमी को याद रखना बहुत आसान भी है। अल्लाह ताला ने ज़कात क्यों फ़र्ज की? दरअसल इंसान के पास जो भी दौलत है ये अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई दौलत है, ये आदमी का अपना ज़ाती कुछ नहीं है, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसी की तौफीक है। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को दौलत दी है तो अल्लाह ताला ने उस दौलत के अंदर हर मालदार के माल में कुछ हिस्सा गरीबों का भी रखा है। अब आदमी की ये जिम्मेदारी है कि गरीबों का वो हिस्सा अपने माल में से निकालकर गरीबों को दे दे। ऐसा करने से आदमी को दो तीन फायदे ज़रूर मिलेंगे। पहला फ़ायदा ये मिलेगा कि आदमी जब अपने माल में से ज़कात निकालेगा तो बकिया जो माल है ज़कात निकालने के बाद वो माल पूरा पाक हो जाएगा। जब आदमी ज़कात निकालेगा तो ज़कात के अलावा जितना माल है वो सारा का सारा माल पाक हो जाएगा, और उस माल के अंदर जो वईदे हैं उन वईदों से आदमी बच जाएगा, क्योंकि हदीस पाक के अंदर ज़कात न निकालने पर वईद भी है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो आदमी ज़कात नहीं निकालता कल क़यामत में अल्लाह ताला उसके माल को गंजे सांप के तरह बना देंगे। गंजा सांप यानी जिस सांप के जिस्म के ऊपर बाल ना हो, वो इतना जहरीला हो कि उसके जहर की वजह से उसके बाल झड़ गए हों, अल्लाह ताला ऐसे जहरीले सांप के मानिंद उसके माल को बनाकर उस पर मुसल्लत कर देंगे। एक आयत शरीफा में अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया वला यहसबन الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم कि ऐसे लोगों के माल के बारे में ये गुमान न किया जाए कि जो अपने माल के अंदर से इस्लाम का हक अदा नहीं करते, अल्लाह ने जो हुकूक फ़र्ज किए हैं उनको अदा नहीं करते, ऐसा माल इंसान के लिए भलाई का ज़रिया नहीं है बल्कि इंसान के लिए बुराई का ज़रिया है। सयुफ़व्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐसे माल को तौक बनाकर इंसान के गले में डालेंगे, बेड़ियों के मानेंगे। दसवें पारे में अल्लाह ताला ने ज़कात न निकालने वालों के बारे में फरमाया والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله वो लोग जो सोना और चांदी को माल और दौलत को जमा जमा कर रखते हैं और उसे अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं करते। فبشرهم بعذاب أليم ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब की बशारत है। يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم जिस दिन अल्लाह ताला इनके माल को जहन्नम की आग के अंदर तपाएंगे, फिर इस आग से अल्लाह ताला उनकी पेशानियों को, उनके बाजुओं को, उनके पहलुओं को और उनकी पीठों को चुरका देंगे, दागा जाएगा, और ये कहा जाएगा हादा मा कनस्तुम फदूकु मा कुंतुम तकनिजून ये तुम्हारे उस माल को जमा करने का बदला है तुम जिसको जमा करते थे और उस माल का हक अदा नहीं करते थे, अब जहन्नम के अंदर अपने जमा किए हुए माल का बुरा मजा चखो। ज़कात न निकालने पर ये वईदे हैं कि ये माल इंसान के लिए वबाल जान बन जाएगा, और अगर आदमी ज़कात निकालेगा तो फिर इंसान का माल पाक हो जाएगा ज़कात की बरकत। और न सिर्फ ये कि आदमी का माल पाक होगा बल्कि अल्लाह ताला उस माल में बरकत भी देंगे। ज़कात निकालने से आदमी के माल के अंदर बरकत होती है और देने वाले को अल्लाह ताला सवाब भी देंगे।
जो इंसान भी ज़कात निकालता है, अल्लाह का वादा ये है कि अल्लाह ताला दुनिया में 10 गुना बढ़ा कर देंगे। मरने के बाद कोई अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह कितना देंगे। فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا المضاعف اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بڑھا کر دیں گے۔ اور زکوٰۃ نکالنے سے آدمی کے اندر سے دو بڑی بڑی بیماریاں ختم ہو جاتی۔ ایک کنجوسی کی بیماری آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، بخل کی بیماری، اور دوسرے مال کی محبت آدمی کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ مال کی محبت، دنیا کی محبت، یہ دنیا کے اندر ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب تک آدمی کے اندر دنیا کی محبت نہیں آئے گی، مال کی محبت نہیں آئے گی، اس وقت تک آدمی دنیا کے اندر اللہ والا بنا ہوا رہے گا۔ جیسا ہی آدمی کے دل کے اندر مال کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت آ گئی، یا کنجوسی آ گئی، تو پھر آدمی رفتہ رفتہ ہلاکت اور بربادی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بیماریاں ایسی ہیں جو آدمی کے اندر ہوتی ہے اور وہ انتہائی بدترین بیماریاں ہیں۔ شر ما فی الرجل، دو برائیاں ایسی ہیں جو آدمی کے اندر ہوتی ہے، جن میں ایک برائی کے بارے میں آپ نے فرمایا شح حالع، ایک تو شدید بخل، اور دوسرا آپ نے فرمایا وجبن خالع، غایت درجے کی بزدلی۔ جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر بزدلی نہیں آ سکتی، اور جس دل کے اندر ایمان ہوگا اس دل کے اندر کنجوسی بھی نہیں آ سکتی۔ کنجوسی وہاں آتی ہے جہاں نفاق ہوتا ہے، بزدلی وہاں آتی ہے جہاں دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اسی لیے مال میں زکوٰۃ نکالنے کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے کنجوسی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السخی قریب من اللہ، جو آدمی اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ وہ سخی قریب عن الناس، لوگوں سے بھی قریب ہے، خرچ کرنے والوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ وقریب من الجنہ، ایسے لوگ جنت سے بھی قریب ہے، کیونکہ خرچ کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اللہ نے جنت بنائی سخاوت کرنے والوں کے لیے۔ بعید عن النار، ایسے لوگ جہنم سے دور ہیں۔ خرچ کرنے والا اللہ کے قریب، مسلمانوں کے قریب، جنت کے قریب اور جہنم سے دور۔ اور جو آدمی کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، اپنے مال میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے۔ کیونکہ سخاوت جنتیوں کی نشانی ہے اور کنجوسی جہنمیوں کی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں بتایا کہ سخاوت کیسی ہونی چاہیے، خرچ کیسا کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو 3 دن کے اندر اندر میں پورا سونا صدقہ کرنا چاہوں گا، پورا سونا خیرات کر دینا چاہوں گا۔ ہاں میں اتنا ہی مال اپنے پاس روک کر رکھوں گا جتنا مال میرے اوپر قرض ہے، کیونکہ قرضہ انسان کے اوپر واجب ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو جو قرضہ ہم دوسروں کو دینا باقی ہے اتنا قرضہ میں اپنے پاس روک کر رکھوں گا، بقیہ سارا مال بھلے ہی وہ احد پہاڑ کے برابر سونے سے سونا کیوں نہ ہو، سارا کا سارا صدقہ کر دوں گا۔ انبیاء کرام کی عادتیں تھیں کہ وہ بے پناہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت کے اندر روزے داروں کو جو ایک فائدہ دیا وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے دار
गरीब और नादार किस्म के लोगों की मुआफ़त इख्तियार करता है। एक आदमी है, उसको खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, गरीब है बेचारा, परेशान हाल है वो, और एक आदमी है वो रोज़ेदार है, तो एक तरफ वो आदमी भी भूखा है जिसको खाने के लिए कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ रोज़ेदार भी भूखा है। तो रोज़े का ये फ़ायदा हो गया कि आदमी को भूखे लोगों का एहसास होता है। यही वजह है कि एक बड़े अल्लाह वाले थे हज़रत बिशर हाफ़ी, एक दफ़ा लोगों ने उनको देखा सर्दियों के दिनों में, रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, अपने जिस्म की कंबल निकाल कर बाजू में रख दी उन्होंने, और जाड़े के अंदर वो भी कपकपा रहे हैं। लोगों ने उनसे कहा कि हजरत ये क्या बात है, आपके पास गर्म चादर मौजूद है, आप अपने आप को चादर में लपेट कर जाड़े से सर्दी से अपने आप को बचा सकते थे, आपने चादर बाजू रख दी और जाड़े के अंदर कपकपा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस वजह से कपकपा रहा हूँ ताकि मुझे उन लोगों की सर्दी का एहसास हो जाए जिन लोगों के पास गर्मी लेने के लिए ना कोई गर्म कपड़ा है, ना स्वेटर है और ना गर्म चादर। तो सर्दियों के दिनों के अंदर थोड़ी देर वो भी खुले आसमान तले जाकर अपनी चादर बाजू में रखकर ट्राई करते थे कपकपाने को, ताकि एहसास हो आदमी को उन लोगों का जिनके पास पहनने के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े नहीं। तो अल्लाह वालों की तो ये आदत थी कि वो फ़कीरों जैसी हालत बनाते थे ताकि गरीबों का फ़कीरों का एहसास हो, उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा हो आदमी को। जब तक आदमी को उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता उस वक्त तक आदमी गरीबों पर रहम नहीं खाता। एक वाकया बड़ा मशहूर है पिछले ज़माने का, बड़ा दिलचस्प वाकया है। एक शौहर अपनी बीवी के साथ बड़े मोहब्बत भरे मूड में था, खाना खा रहा था, अपने हाथों से अपने बीवी के मुंह में लुकमा उतार रहा था, दोनों खुशी के मूड में थे, रोमांटिक मूड में थे, प्यार भरी मोहब्बत भरी बातें चल रही थी। हदीस में भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किसी मर्द का अपनी बीवी के मुंह में लुकमा रख देना ये भी सदका है, इससे बीवी से मोहब्बत भी बढ़ेगी और अल्लाह ताला नेकी भी देंगे उस पर अपने हाथ से बीवी को खाना खिलाने पर। कितनी पाकीज़ा तालीमात है इस्लाम की। शौहर अपने हाथ से अपनी बीवी को खाना खिला रहा है, मियाँ बीवी के दरमियान में बड़ी मोहब्बत भरी बातें हो रही है। अचानक दरवाजे के ऊपर एक फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तीन दिन से भूखा हूँ। फौरी ये शौहर उठा और सामने दस्तरखान पर जितना खाना था अपनी बीवी से कहा कि ले जाकर उस गरीब को सदका कर देना, ये उस गरीब को दे दो। बीवी ने कहा कि अरे अपने लिए तो कुछ रख लेते। शौहर ने कहा कि दे दो पूरा, अपने लिए कुछ और इंतज़ाम कर लेंगे। चुनाचे जब बीवी सदका करने के लिए चौखट पर गई दरवाजे पर और उसने जैसा ही फ़कीर को देखा तो एक चीख मारी और बेहोश हो गई। शौहर अंदर से भागा हुआ आया, उसने फ़कीर को पकड़ा और पकड़ कर कहा कि तूने क्या कर दिया मेरी बीवी को जो इसकी ये हालत हो गई। उसने मिन्नत समाजत की कि मैंने कुछ नहीं किया। शौहर ने उसको चलता कर दिया, बीवी को उठाकर अंदर लाया, उसके चेहरे पर पानी छिड़का। जब वो होश में आई शौहर ने पूछा कि क्या बात हो गई, सदका करने के लिए गए थे और चीख मारकर बेहोश हो गए। बीवी ने कहा कि दरअसल पुरानी बातें याद आ गई, गम बर्दाश्त न हो सका इसीलिए मेरी ये नौबत हो गई। शौहर ने कहा कि क्या याद आया। कहने लगी कि मेरा जो पहला शौहर था बड़ा मालदार इंसान था, वो बड़े कारोबार थे उसके अपने, अल्लाह ताला ने गैर मामूली नेमतों से उसे नवाजा था, लेकिन था घमंडी,
तकब्बुर का शिकार था, अपने माल में कंजूसी और बुखल करता था, सदका खैरात करने की उसकी आदत नहीं थी। एक दफ़ा वो और मैं ऐसे ही घर में बैठे हुए थे जैसा अब तुम और मैं बैठे हुए थे। हम दोनों के दरमियान में मोहब्बत भरी बातें चल रही थी, मैं उसे खिला रही थी, वो मुझे खिला रहा था। इसी दरमियान में एक फ़कीर घर पर आया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, कई दिनों से भूखा हूँ। तो मेरा शौहर किरकिरा हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, उठकर दरवाजे पर गया और जाकर उस फ़कीर को मारना पीटना शुरू कर दिया, और इतना मारा इतना मारा कि उस फ़कीर की हालत बुरी हो गई। और मेरा शौहर कहने लगा कि कमबख्त कहीं के मुंह उठाए कब बोले जब आ जाते हो, कोई वक्त नहीं तुम लोगों का आने का, दफा हो जाए यहाँ से, ये झिड़क कर उसने भगा दिया। फिर उसके बाद मेरे शौहर के ऊपर हालात आए, कारोबार का नुकसान होना शुरू हुआ, जो गुलाम थे जो बांदियाँ थे रफ्ता रफ्ता छुट्टी होने लगी उनकी, कारखाने बंद होने लगे, कर्ज के अंदर इतना डूब गया कि दिवालिया हो गया उसका। होते होते नौबत ये आई कि उसने मुझसे कहा कि अब मैं तुम्हें पालने की मुझे कुदरत नहीं है, लिहाजा तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म कर लो। मैंने रिश्ता ख़त्म कर लिया तो ये शौहर ने कहा कि भाई बात तो इबरत वाली है, लेकिन ये चीख मारकर बेहोश होने की क्या वजह। तो बीवी ने कहा कि दरवाजे पर जो भिखारी आया था वो पहला शौहर था। तो शौहर ने कहा दूसरे शौहर ने कि अच्छा मेरी भी सुनो, मैं भी भिखारी था, फकीर था, मोहताज था, अपने बीवी बच्चों के लिए दो वक्त के खाने का इंतजाम नहीं कर सकता था। एक दफ़ा मैं भी भीख मांगने के लिए एक दरवाजे पर गया था और मैंने भी अल्लाह का वास्ता देकर 3 दिन की भूख का वास्ता देकर भीख मांगी थी। घर से आदमी निकलकर मुझे यही जुमले कहकर उसने मेरी पिटाई की, मुझे मारा, मुझे धक्के देकर निकाला। जब उसने मुझे धक्के दिया तो मेरे दिल से आह निकली और मैंने अल्लाह को गवाह कर कहा कि ऐ अल्लाह दुनिया वालों की दर दर की ठोकरें खाना बहुत हो गया, बस अब अपने दर का गुलाम बना लीजिए। उस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे दिमाग में तदबीर डाली, मैंने लोगों से कर्जा लिया, कारोबार शुरू किया। होते 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 अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ये नौबत लाई। शौहर ये कहते कहते आंखों में आंसू आ गए। बीवी ने कहा कि मेरे बेहोश होने की वजह तो ये थी कि वो मेरा पहला शौहर था, मगर अब तुम्हारे रोने की क्या वजह है। शौहर कहने लगा कि तेरे शौहर से चौखट पर धक्के खाने वाला वो फकीर मैं था। फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद मेरे कारोबार में बरकतें दी, मेरे माल में इजाफा हुआ। होते होते चूंकि ये बीवी एक अच्छे खानदान की औरत थी, इस औरत से उसकी शादी हुई। वाकई से क्या समझ में आया? दो चीज़ें ज़रूर समझ में आई वाकई से। एक चीज़ ये है कि ये माल मेहमान है, आज मेरे पास तो कल तेरे पास, कल तेरे पास तो परसों किसी और के पास। और दूसरी चीज़ ये समझ में आई कि इंसान को जब तक भूख का एहसास नहीं होगा, भूखों का एहसास नहीं कर सकता आदमी। रोज़े की हालत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदार को भूखा रखकर गरीबों की हमदर्दी का एहसास पैदा करवाते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये रमज़ान का महीना मुआसात का महीना है, हमदर्दी का महीना है, गमखारी का महीना है। ये महीना भूखों के पेट के अंदर खाना पहुंचाने का महीना है, ये महीना प्यासों को पानी पिलाने का महीना है, ये महीना नंगों को कपड़े पहनाने का महीना है। इसीलिए आदमी अपने माल के अंदर से ज़कात देगा, सदका देगा, खैरात करेगा, फितरे निकालेगा, कुर्बानी देगा, अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, गरीबों पर, परेशान हालों पर, मिस्कीनों पर, मोहताजों पर लुटाएगा, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके अंदर से कंजूसी जैसी बड़ी बीमारी निकालेंगे, बुख्ल की बीमारी, और माल की मोहब्बत आदमी के अंदर से ख़त्म होगी।
माल की मोहब्बत तो ख़त्म होगी लेकिन माल ख़त्म नहीं होगा, माल में बरकतें होंगी, अल्लाह ताला उसको और मालदार बनाते रहेंगे। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रोजाना दो फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आते हैं, एक फरिश्ता ऐलान लगाता है अल्लाहुम्मा आफी मुनफिकन खल्फा, दूसरा फरिश्ता उसके ऊपर आमीन कहता है, और दूसरा फरिश्ता ऐलान लगाता है अल्लाहुम्मा आफी मुमसिकन तल्फा, पहला फरिश्ता उसके ऊपर आमीन कहता है। रोजाना ये दो फरिश्ते आसमान से जमीन पर आकर अलग अलग ऐलान लगाकर जाते हैं। मतलब क्या है इन दोनों के ऐलान का? इन दोनों के ऐलान का मतलब ये है कि पहला फरिश्ता ये कहता है कि ऐ अल्लाह, जो आदमी भी अपने माल में से खर्च करने वाला है आप उसके माल में बरकत दीजिए, दूसरा फरिश्ता उसके ऊपर आमीन कहता है, और दूसरा फरिश्ता ये ऐलान करता है, ये पुकारता है, ये दुआ करता है, ऐ अल्लाह, जो आदमी भी अपने माल को बचा बचा कर रखने वाला है आप उसके माल को तबाह कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, पहला फरिश्ता उसके ऊपर आमीन कहता है। तो समझ में ये आया कि दुनिया का दस्तूर ये है मालदार बनने के लिए बचा बचा कर रखो, और दीन का दस्तूर ये है, इस्लाम का नज़रिया ये है कि जितना खर्च करोगे अल्लाह ताला उतना तुम्हें मालदार बनाएंगे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खर्च करती थी, मगर उनके अंदर खर्च करने में थोड़ा सा ऐसी आदतें थी जो आदतें इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा उनसे फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, खर्च करो अल्लाह तुम्हें देगा, और गिन गिन कर खर्च मत करो, अगर गिन गिन कर खर्च करोगी ना तो अल्लाह भी तुम्हें गिन गिन कर देगा। 100 रुपए में से 10 रुपए देख कर खर्च करोगे तो अल्लाह ताला 10 के बदले में 100 ही देंगे, और अगर 100 में से बन मुट्ठी बगैर देखे के बगैर गिने के खर्च करोगे तो अल्लाह ताला भी बगैर हिसाब के देंगे तुम्हें, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला की बड़ी प्यारी सुन्नत है, इरहमु मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर जिस क्वालिटी का रहम खाओगे आसमान वाला उसी क्वालिटी का तुम पर रहम खाएगा। गिन गिन कर इबादतें करोगे अल्लाह ताला गिन गिन कर नेकियां देंगे, गिन गिन कर सदका करोगे अल्लाह ताला गिन गिन कर बड़ा कर देंगे, और अगर आप बगैर किसी शुमार के नेकियां करोगे और बगैर किसी गिने हुए सदका करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला भी उसी हिसाब से तुम्हें देंगे। तो आदमी को अपने माल में से ज़कात निकालते रहना चाहिए, सदका करते रहना चाहिए। सदका करना अंबिया किराम की सुन्नतें हैं, सदका करना हर नबी की सुन्नत, यही वजह है आप देखेंगे कि जितने अंबिया किराम दुनिया से रुखसत हुए हैं जाते जाते उन्होंने अपने पीछे माल नहीं छोड़ा, इल्म छोड़ा उन्होंने अपने पीछे, हिकमत की बातें छोड़ी उन्होंने अपने पीछे, किसी नबी ने भी अपने पीछे माल नहीं छोड़ा, और कोई पैगंबर मालदार बनकर नहीं मरे इल्ला माशाल्लाह। पैगंबरों ने दुनिया वालों को ये बताया कि देखो दुनिया में अगर अल्लाह ताला ने माल दिया है तो सबसे बड़ा कमाल ये है कि उस माल को गरीबों पर खर्च करते रहो। एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम का ये नजरिया है कि अगर कोई आदमी प्यासे को पानी पिला दे मुर्दे को जिंदा करने का सवाब उसको मिलेगा, जो आदमी भूखे को खाना खिला दे मुर्दे को जिंदा करने का सवाब मिलेगा उसे। इस्लाम ये कहता है वल्लाहि फी औनिल अब्द मा काना अल अब्द फी औनि अखी, खुदा की कसम अल्लाह ताला बंदे की उस वक्त तक मदद करते रहते हैं जब तक के बंदा अपने दूसरे भाई की मदद करते रहता है। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया के अंदर जो आदमी अपने भाई की जो परेशानी को दूर करेगा
अल्लाह ताला कल कयामत की उसकी एक परेशानी को दूर कर देंगे। इस्लाम ने इंसानियत की तालीम दी। इस्लाम में खर्च करने के लिए, भूखों को खिलाने के लिए, प्यासों को पिलाने के लिए, नंगों को कपड़ा पहनाने के लिए इस्लाम ने कहीं ये नहीं कहा कि मुसलमान सिर्फ मुसलमानों को दे, गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को न दे, ऐसी बात नहीं। इस्लाम तो ये कहता है कि सारी की सारी मखलूक अल्लाह का खानदान है। जो आदमी अल्लाह के खानदान के साथ जितनी नरमी करेगा, जितनी हमदर्दी करेगा, वो आदमी अल्लाह ताला का उतना ही चहीता बनेगा। इस्लाम तो मुसलमान तो मुसलमान, नॉन मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम, इस्लाम के अंदर प्यासे जानवर को भी पानी पिलाने का बड़ा सवाब है। बनी इसराइल की एक औरत के बारे में जो फाहिशा थी, जो जानिया थी, वाकया किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि बदकार जानिया औरत की अल्लाह ताला ने इस बुनियाद पर मगफिरत कर दी। अल्लाह ने इस बुनियाद पर उसको जहन्नम की आग से बचा लिया कि वो रास्ते से गुजरते गुजरते उसने देखा कि एक कुत्ता प्यास की वजह से जबान को बाहर लटकाए हुए बैठा था। उस औरत ने अपने चप्पल को अपनी ओढ़नी से बांधा और करीब में एक पानी का एक कुआं था, एक सम था, उसके अंदर उसने अपने चप्पल डाले और उस चप्पल में जितना पानी आ सका उस पानी को उसने कुत्ते को पिलाया। अल्लाह ताला ने एक मुगन्निया, एक फाहिशा, एक जानिया औरत की इस अदा को इतना पसंद किया कि प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की बरकत से अल्लाह ने उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम को हराम कर दिया और अल्लाह ने उसके हक में जन्नत के फैसले फरमा दिए। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात ऐसी है। दुनिया में सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। इंसानियत, गरीबों को पानी पिलाना ये सबसे बड़ा मजहब है। प्यासों को पानी पिलाना, गरीबों की हाजत रवाई करना, उनके काम आना, किसी की मदद करना, ये बड़ा मजहब है। किसी इंसान की मदद करना तो यकीनन बड़ी बड़ी बात है। इस्लाम तो ये कहता है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं, रास्ते में रोड पर आपने देखा कि कांच पड़ी हुई है या कांटा पड़ा हुआ है या कोई पत्थर पड़ा हुआ है और आपने इस ख्याल से कि रास्ते में चलने वाले का अगर किसी का पैर पड़ जाएगा तो पैर जख्मी होगा, अगर किसी की गाड़ी गुजरेगी और कांटे से लग जाएगी, टकरा जाएगी तो उसका टायर पंचर हो जाएगा, या कोई पत्थर है, कोई तेज टू व्हीलर आएगा, पत्थर के ऊपर चढ़ जाएगा, बैलेंस आउट हो जाएगा और वो गिर जाएगा, इस ख्याल से आपने रास्ते से कांटा हटा दिया, आपने रास्ते से पत्थर हटा दिया, आपने रास्ते से कांच हटा दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया इमाम फसल अनिस, रास्ते से तकलीफ दा चीज को हटाना भी बड़ी नेकी है। और एक जगह पर अल्लाह के नबी ने फरमाया ईमान के 70 दर्जे हैं, ईमान की 70 कैटेगरीज है। सबसे बड़ी कैटेगरी ईमान की अल्लाह को एक मानना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और रास्ते से तकलीफ दा चीज को हटाना यह भी ईमान की 70 कैटेगरीज में से कैटेगरी का हिस्सा है। इस्लाम तो ऐसी तालीम देता है। गर्मा का महीना है, प्यासों को पानी पिला दो, दो चार घूंट ही सही, बड़ी नेकी। बल्कि इस्लाम का नजरिया तो ये है कि इंसान तो इंसान, अपने घरों के सज्जों के ऊपर, अपने घरों की दीवारों के ऊपर और अपने घर के छत के ऊपर ऐसे चंद बर्तन रख देने चाहिए कि दिन के किसी भी हिस्से के अंदर छोटे छोटे परिंदे आकर पानी पी कर जाए, क्योंकि वो प्यासा परिंदा पानी पीकर वो भी आपके लिए दुआ देता है। ईमान वाला खाली नहीं है ना, ईमान वाला तो वो है जिसके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ देती है, चूटियां अपने बिलों के अंदर दुआएं देती है ईमान वालों के लिए, रोजेदारों के लिए, इल्म हासिल करने वालों के लिए। रमजान का मुबारक महीना है, ज्यादा से ज्यादा सदका, खैरात, फितरे,
زکات نکالنا چاہیے, کنجوسی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بالکل بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میں زکات نکالوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا. اگر آپ نہیں نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی کم ہونے والا ہے آپ کا مال. دنیا کی کوئی طاقت آپ کے مال کو کم ہونے سے نہیں روک سکتی. اور اگر آپ نکالیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کو بڑھا کر دیں گے, مال میں اضافہ ہوتا رہے گا آپ کے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فقیر یا غریب نہیں بنا سکتی. اور اب تو کرونا وائرس کی مہاماری کا زمانہ ہے. گزشتہ کے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں دوبھر ہو گئی. لوگ دو وقت کی روزی روٹی کے محتاج بنے ہوئے. بہت سارے اسٹیٹس کے اندر مکمل لاک ڈاؤن ہے. جو لوگ ڈیلی بیسس پر کمائی کرتے تھے, دن بھر کما کے آتے تھے تو رات میں جن کے گھروں میں چولہا جلتا تھا, اب ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ ایسے مزدور, ایسے لیبر کیٹیگریز کے لوگ, مسلمان تو نہیں ہے نا, ہر مذہب کے لوگ ہیں. مسلمانوں, تمہارے لیے یہ بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ان بھوکے بندوں کو کھانا کھلاؤ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا, صدقہ کرنے سے, بھوکوں کو کھانا کھلانے سے, محتاجوں کی مدد کرنے سے بلائیں ٹلتی ہیں, مصیبتیں دور ہوتی. اس وقت جو پوری دنیا کے انسانوں پر کرونا وائرس کے نام سے جو مصیبت آن پڑی ہے, مسلمانوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنے مال میں سے غریبوں کی مدد کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف دعوت دیں تاکہ دنیا سے یہ کرونا وائرس کی مہاماری ختم ہو جائے. اسلام یہ تھیوری پیش کرتا ہے, یہ نظریہ پیش کرتا ہے, صدقہ کرنے سے آدمی بری موت سے بچے گا. صدقہ کرنے سے آج اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا. صدقہ کرنے سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوگی. اس وقت لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت کرونا وائرس, سب سے بڑی بلا لوگوں کے لیے کرونا وائرس کا پازیٹیو ہو جانا ہے. سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہمارے آنکھوں کے سامنے دن دہاڑے اپنی گلیوں میں, اپنے چورستوں میں ان ایمبولینس کا دن دنانا ہے. ہیبت ہوتی ہے ان ایمبولینس کی آوازوں کو دیکھ دیکھ کر. سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے یہ اڑتے ہوئے جنازے ہیں جنہیں کاندھا دے دے کر ہمارے کاندھے تھک چکے. سب سے بڑی مصیبت ہماری کلچر میں, ہماری سوسائٹی میں اور ہمارے علاقے کے اندر یہ ارتھیاں ہیں جن کی جلتی ہوئی چتاؤں کو دیکھ دیکھ کر, جن کی جلتی ہوئی آگ کو دیکھ دیکھ کر اب ہمیں بھی ہیبت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں کتنے دنوں کا یا کتنے گھنٹوں کا مہمان ہوں گا. اچھا خاصا آدمی وہ پازیٹیو آ جاتا ہے اور دیکھے دیکھے تک وہ مر بھی جاتا ہے. اپنی زندگیوں سے اب ہمیں ڈر ہونے لگا ہے. ایسی بیماری اللہ نے لوگوں کے اوپر مسلط کر دی اور اچھے اچھوں کی داداگیری ختم ہو گئی اس بیماری کے نتیجے میں. سب عاجز ہے, مجبور ہے, لاچار ہے, پریشان حال ہے. اب تک دوائی نہیں بن سکی اس بیماری کی. ڈاکٹر اپنے اپنے حساب سے کوشش کر رہے ہیں, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, پیشنٹ کو شفا مل جاتی ہے, اور کچھ ڈاکٹر ناکام ہو جاتے ہیں. ان کے ہزار چاہنے کے باوجود پیشنٹ ان کے سامنے دم توڑ دیتا ہے. اور ایسی خطرناک بیماری کے مرنے والا اپنا ہو, خونی رشتے والا ہو, تب بھی زندہ رہ جانے والے کے دل کے اندر بیماری کا اتنا خوف ہے کہ وہ اپنے کی ڈیڈ باڈی کے قریب میں آنا پسند نہیں کرتا. کیا مصیبت ہے! شاید اتنی سنگین بیماری جب سے دنیا میں انسانیت قائم ہے آج تک ایسی بیماری نہیں آئی تھی ہوگی. یوں تو دنیا میں لاکھوں بیماریاں آگے ختم ہو گئے اور بیماریوں سے مرنے والوں سے اپنے لوگ پرائے نہیں ہوتے تھے, لیکن یہ کیسی مصیبت ہے, یہ کیسی بیماری ہے کہ اپنے کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لوگ انجان ہو جاتے ہیں. عام دنوں میں اگر یہ آدمی مرتا تو ہزاروں کا جنازہ ہوتا, لیکن اس بیماری سے مر گیا, اس کرونا کی مہاماری سے مر گیا. عالم یہ ہے کہ کوئی اس کو کاندھا دینے کے لیے یا کوئی اس کی ارتھی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں.
गुमनामी के अंदर लोग मर रहे हैं और लोगों को ले जाकर उनका आखिरी रसूमात या उनके अंतिम संस्कार उनको अंजाम दे दी जा रही है। पता ही नहीं चलता कि कौन मरा और कौन नहीं मरा। आम दिनों के अंदर लोग अपनी डेड बॉडियों को डेड बॉडी फ्रीजर में रखकर घंटों रखते थे, बात तो 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटों तक रखते थे। और आज मुसीबत ये है, इस्लाम का जो बुनियादी नजरिया था कि मरते ही कफन दफन में जल्दी करो, लोग कोरोना से पहले तो जल्दी नहीं करते थे, लेकिन अब आनन फानन में आदमी की मौत होती है, 2-4 घंटे के अंदर बस उसको कब्र में लिटा दिया जाता है। लोग मजबूर हैं इस्लाम की बुनियादी तालीमात पर अमल करने के लिए, हालात आ गए ऐसे। मैं तो कहता हूं कि ये कोरोना वायरस की महामारी और ये हमारे सामने उठते हुए जनाजे और ये बढ़ते हुए केसेस, लास्ट जुमा जब मैं आपके सामने बोल रहा था उस वक्त हमारे मुल्क के अंदर डेली 1,24,000 पॉजिटिव केसेस आ रहे थे, और आज का हाल ये है कि कल 3.5 लाख केस पॉजिटिव आए एक दिन में। जैसा ही ये टेस्टों का रेशियो बढ़ेगा और कांटा बढ़ेगा, ये फिगर बढ़ेगा ऊपर, लाखों लोग बीमारियों में गिरफ्तार, सैकड़ों लोग मर रहे हैं रोजाना। कल एक दिन में 2,000 लोग मर गए, अल्लाहु अकबर, क्या मुसीबत है भाई। गुज़िश्ता कभी नहीं हुआ था इतने मरने का, 10 मरे, 20 मरे, 30 मरे, 50 मरे, बहुत हो गया, 2,000 लोग एक दिन में। पता नहीं अगले दिनों में यह फिगर कितना बढ़ेगा। यहां दो चीजें मैं खास तौर पर आपके सामने कहना चाहता हूं, मुसलमानों से दो चीजें और नॉन मुस्लिम से एक चीजें, कुल मिलाकर 3 चीजें। मुसलमानों के लिए पहली चीज यह है कि मुसलमानों, ये उड़ते हुए जनाजे तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम अपना अकीदा दुरुस्त करो, अपना यकीन दुरुस्त करो, अल्लाह तबारक व तआला की जात से होने का यकीन पैदा करो। अगर इस हालत में भी तुम अल्लाह की जात से होने का यकीन पैदा नहीं करोगे ना, मरोगे तुम भी मगर बेयकीनी की कैफियत के साथ, काफिरों जैसा अकीदा लेकर मरोगे तुम। और एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा लॉस और सबसे बड़ा नुकसान है ये कि आदमी दुनिया के अंदर मुसलमान तो बनकर पैदा हो जाए और जाते जाते यकीन से खाली सीना लेकर अल्लाह तबारक व तआला के सामने चला जाए। और दूसरी चीज मुसलमानों से ये कहता हूं कि अभी भी मौका है, अल्लाह ने मोहल्लत दी, मौका दिया, अपनी मौत की तैयारी करो, वरना तुम भी चंद घंटों के अंदर मौत के मुंह लग जाओगे और अल्लाह ताला के सामने जाओगे, रुस्वा होकर जाओगे, तुम्हारे नामे आमाल नेकियों से खाली होंगे और तुम्हारे नामे आमाल के अंदर गुनाहों का अंबार होगा। सच्चे दिल से तौबा करो, अब कब तौबा करोगे तुम? आज भी ना तुम रोजे छोड़ने से बाज आए, ना नमाजों से कोताही करने से बाज आए, कैसी मौत मरोगे तुम? अफसोस होता है अगर कोई आदमी कोरोना से मरता है, उससे ज्यादा अफसोस होता है वो आदमी कोरोना की बीमारी में बगैर तौबा के और बगैर अपने आमाल के इस्लाह के मरता है। मरना तो सबको है, अगर इस बीमारी से मरना है तो दुनिया की कौन सी ताकत हमें रोक सकेगी? इसीलिए मुसलमानों के करने के ये दो काम, एक अपना अकीदा और अपना यकीन दुरुस्त करना और दूसरा आज ही और अभी इसी वक्त तौबा करना तिलक। और तीसरी जो चीज सबके लिए है वो है कि हमारे लोग अभी कब इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट के प्रिकॉशंस को फॉलो करेंगे, अभी कब करेंगे आप? कब आप मास्क का एहतमाम करेंगे? कब आप सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करेंगे? कब आप सफाई सुथराई का एहतमाम करेंगे? कब आप अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी बॉडी का और अपनी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की फिक्र करेंगे? कब करेंगे आप? मरने के बाद आपके घर में, आपके खानदान में 10-15, 20-25 जनाजे उठेंगे, लाशें उठेंगी, तब करेंगे आप? कब आएगी आपको अकल? अभी वही बेवकूफों वाली हरकतें। जाओ बाजारों के अंदर, पब्लिक एरियाज के अंदर, तो समझ में आता है कि सारे के सारे वही मूर्खे बने, मूर्ख बने हुए, अहमक बने हुए हैं, नॉनसेंस बने हुए,
कि कोई अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए तैयार नहीं, किसी को अपने माँ बाप और अपने बीवी बच्चों की पकड़ नहीं। आप एक मरेंगे, दुनिया की टोटल पॉपुलेशन में से एक मरेगा, दुनिया को फर्क नहीं पड़ेगा। और पैदा होंगे, दुनिया में भर्ती होगी, दुनिया चलेगी, लेकिन याद रखो आप मरेंगे तो आपकी फैमिली का एक ऐसा मेंबर बनेगा जो शायद आपके जाने के बाद उनके रोजी रोटी के लिए और उनके मसाइल की तकमील के लिए दूसरा कोई खड़े नहीं होगा। इसलिए आपकी जान आपके लिए करोड़ों की जानों से ज्यादा महंगी है, कीमती है। हेल्थ डिपार्टमेंट के जो इंस्ट्रक्शन थे आप उसको फॉलो कीजिए। डिस्टेंसिंग का अब देखो आके बैठ गए चिपक चिपक के, अब क्या बताना। अब हर नमाज में कहा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल कब अकल आएगी। अब मजबूरन वही होगा कि फिर दरवाजे बंद करना पड़ेगा। नमाज फर्ज है, जान बचाना उससे बड़ी फर्ज है। जान बचेगी तो नमाज भी हो सकेगी, लेकिन जान ही नहीं तो फिर क्या। हुकूमतें मजबूर है, लॉकडाउन नहीं कर सकती, लेकिन आप तो मजबूर नहीं है ना। आप सेल्फ लॉकडाउन तो कर सकते हो ना अपनी बॉडी के ऊपर, उसे फिजिकल लॉकडाउन आप अप्लाई कर सकते हो ना अपने ऊपर। कब करोगे आप? इसीलिए सबसे मेरी गुजारिश है दो टोक लफ्जों में, मुसलमानों के लिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए, इस मुल्क के हर शहरी के लिए। वरना हम तो ख्वाब देख रहे थे पूरी दुनिया में सुपर पावर बनने का। वो दूसरा सुपर पावर इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कब बनेंगे बात की बात है। फिलहाल भारत देश इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का सुपर पावर बना हुआ है। इसीलिए अगर वो फिगर को गिराना है और वो जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको कम करना है तो आप गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शन है उसकी पाबंदी कीजिए और नेचुरल ग़िज़ाएं खाइए, आप आर्टिफिशियल चीज़ें मत खाइए। आप कुछ दिनों के लिए पाकेटों का दूध भी बंद कर दीजिए, मालूम है ना केमिकल आ रहा उसमें। कुछ दिनों के लिए ये बॉयलर मुर्गी भी ख़त्म कर दीजिए और ये जो अंडा है ना मार्केट में इस अंडे को भी ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि बॉयलर मुर्गी और ये अंडा कोई ग़िज़ाई नहीं है ये। और इससे ख़तरनाक बात, ये खाने से इंसान का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, इसीलिए मत खाइए उन चीज़ों को, कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए और नेचुरल जितनी ग़िज़ाएँ, ख़ास तौर पर हरी सब्जियां खाइए। आप फल फ्रूट्स को ज़्यादा सा खाइए। आप इन चीज़ों को आप मेंटेन कीजिए और कुछ दिन वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, वर्जिश कीजिए, भाग दौड़ कीजिए, सेहत का ख्याल कीजिए। मुसलमान तो रोज़े की हालत में वॉकिंग नहीं कर सकते, अगर आप 20 रकात तरावी पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह आपको आधा घंटा वॉकिंग करने का फ़ायदा मिल जाएगा। घरों में नमाज पढ़िए, नवाफिल पढ़िए कसरत से, नमाजों की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, इबादतों में अपने आप को थकाइए। इंशाअल्लाह वैसे भी रोज़ा इंसान के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बूस्टर है रोज़ा इम्यून सिस्टम का। और अगर इसके बावजूद इफ्तार के बाद कुछ वक्त आप भी अगर हलचल कर लें, थोड़ी बहुत वर्जिश कर लें, तो शायद मैं समझता हूँ कि सारे प्रिकॉशंस को फॉलो होने के साथ साथ अगर ये चीज़ें भी हम मेंटेन करेंगे तो दुनिया के अंदर भाइयों ऐसे हज़ारों बीमारियाँ ख़त्म हो गए, इंशाल्लाह ये बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी। 100 साल पहले स्पैनिश फ्लू आया था, 2 करोड़ लोग मरे थे स्पैनिश फ्लू के अंदर 1920 के अंदर, और 2020 में कोरोना वायरस आया, पता नहीं इससे कितने लोग मरेंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत से रहेंगे और आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे, बचाएंगे अपने कल्चर को, बचाएंगे अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को, अपने इलाके को बचाएंगे और सब लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे इस बीमारी के लिए, तो इंशाल्लाह अगले सालों के अंदर आपको याद भी नहीं होगा कि कोरोना नाम की कोई बीमारी आई थी और इतना उस बीमारी ने कहर बरपा कर दिया था और ऐसे ऐसे लोग मरे थे, ऐसे ऐसे हालात पैदा हो गए थे। इंशाअल्लाह दुनिया है वतिलकल अय्याम रुदाविलुहा बैनन्नास। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हालात चलाते रहते हैं, ये बुरे हालात भी इंशाअल्लाह एक दिन टल जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया से इस ख़तरनाक मोहलिक बीमारी को बचा ले और हम सबको अल्लाह ताला अपने अकीदे की हिफाजत की तौफीक करने की और अपने गुनाहों के ऊपर सच्ची पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।